जय महाकाली, जय माँ का व्याख्या। आप लोग कैसे मित्रों, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो आज आपको मैं बहुत ही अच्छा उपाय वशीकरण का बताने वाली हूँ। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक पीपल का पत्ता लिया है। किसी भी शुक्रवार के दिन इसको कर सकते हैं अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए। पति पत्नी हो या किसी भी स्त्री या पुरुष को आप मन चाहे प्यार को पाने के लिए इस वशीकरण को कर सकते हैं। आप किसी भी शुक्रवार के दिन रात को शाम के टाइम पे आप पीपल का पत्ता तोड़ के ले आएँ और आप उसके ऊपर एक नक्श बना लें। त्रिभुज में मैंने नक्श बनाया है, सारी तरफ मैंने माँ का बीज मंत्र का प्रयोग किया है। आप भी ऐसे लिख लें श्री श्री और बीच में अपने प्यार का नाम लिख लें और नीचे अपना नाम अपने प्यार का नाम लिखें और उसके बाद आप इस पीपल के पत्ते को जलाना है। तो आपने इस पीपल के पत्ते को कैसे अभिमंत्रित करेंगे, आप किसी भी शुक्रवार की रात को बैठ जाएं और इसको करें। 11 से 12 बजे तक के बीच में कर लें। पत्ते को पहले से शाम को ला के रख लें। उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है अपने प्यार का और अपना, और अभिमंत्रित इसे कैसे करना है मैं मंत्र आपको बता देती हूँ। ओम हु स्त्री फट स्वाहा, ओम हु स्त्री फट स्वाहा। इस तरीके से आपने 108 वरी मंत्र बोलना है। मंत्र बोलते ही ये पत्ता ऑटोमेटिक अपने आप में अभिमंत्रित हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लपेट लेना है। लपेट के फिर उसके बाद इसको उसी वक्त आप जला दें। अगर आप माचिस से जलाएं, लाइटर से, लेकिन ये कंप्लीट पूरा जल जाना चाहिए। जैसे कि ये जल जाएगा वैसे ही तुरंत वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी, वो आपका कहना सुनना मानने लगेगी। आप उसको अपना कह के और अपनी बात को मनवा सकते हैं इस वशीकरण को करके। तो आपको ये वशीकरण अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन बटन के साथ में सब्सक्राइब कर लें। अगर इसको करते हुए कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, गुरुमा से बात कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वशीकरण वीडियो की जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाम्या।